गाइज अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम बनाने वाले हैं चिकन यखनी पुलाव। तो चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। हाफ के जी चिकन में मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून दखा धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 अखी लाल मिर्चें। उसमें मैं ऐड करूँगी 1 स्मॉल साइज़ की अनियन, 5 से 7 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच की अदरक और 2 ग्लास वाटर ऐड करूँगी। सॉल्ट भी एज़ पर टेस्ट ऐड करूँगी मैं यहाँ पर। सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून जितना ऐड किया है। मैं जब यखनी को बॉईल करने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दूंगी, मैंने यखनी को कम से कम 10 से 15 मिनट तक चिकन के साथ बॉईल किया था कि उसका अच्छे से जो ग्रोथ है वो निकल कर आ जाए। तो पूरा चिकन का स्टॉक उसमें निकल कर आया, तो मैंने उसको चिकन को अलग कर लिया था और स्टॉक को अलग। यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ की अनियन को थिनली स्लाइस कर लिया है, 1 स्मॉल साइज़ का टोमेटो, 3 हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने यहाँ पर ये ले लिया है। उसके बाद कुछ खड़े गर्म मसाले हैं जिसमें मैंने लिया है दालचीनी, हरी इलायची, तेज़पत्ता, काली मिरी, लौंग, बड़ी इलायची और 1 टीस्पून ज़ीरा भी लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ी सी जावित्री, थोड़ा सा जायफल और 1 स्टारफुल। इसका मैं पाउडर बनाऊँगी, सिर्फ जायफल, जावित्री और स्टारफुल का मैं यहाँ पर पाउडर बनाऊँगी। बाकी दोनों खड़े गर्म मसाले एज इट इज़ पुलाव में ऐड होंगे। यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली लिया है, 2-2 टेबलस्पून दही 1/2 कप लिया है, बासमती राइस लिए हैं मैंने, 1/2 kg चिकन लिया था तो 1/2 kg चावल लिए हैं मैंने। पैन में मैं यहाँ पर पतीले में मैं तेल ऐड करूँगी, तेल थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने अनियन ऐड किए हैं, अनियन थोड़े से भून जाएंगे तो मैं यहाँ पर सारे जो खड़े गरम मसाले थे हमारे वो ऐड करूँगी। साथ ही साथ मैं ज़ीरा भी ऐड करूँगी, उसको अच्छी तरह से भूनना है। अनियन को हमको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, वरना जो यखनी पुलाव का जो एक्चुअल कलर होता है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी सी मतलब अनियन जो है पिंक से वाइट हो जाएगी, तो उसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट और हरी मिर्ची का पेस्ट डालकर उसकी कच्ची स्मेल निकलने तक हम लोग फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने टमाटो ऐड किए थे, टमाटो भी डालकर हम लोग अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी दही। दही ऐड करते टाइम बहुत केयरफुली ऐड करना, बिकॉज अगर हम लोग फास्ट फ्लेम पर दही ऐड करेंगे तो वो फट जाता है। इसके लिए हम लोगों को दही को स्लो फ्लेम पर ऐड करना है और दाल के साथ ही हमको उसको चलाते रहना है एक बॉयल आने तक। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर चिकन स्टॉक से अलग कर कर रखा था वो चिकन में सारा यहाँ पर ऐड कर दूँगी, ठीक है। उसमें से मैं जो अदरक जो लहसुन था वो मैं एज इट इज़ चिकन में ही रहने दूँगी, बाकी सारे मसाले मैंने डिस्कार्ड कर दिए थे। तो चिकन को भी मैं अच्छी तरह से यहाँ पर सारे मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी। चिकन को भूनते रहना है कि मतलब जो मसालों का फ्लेवर है वो चिकन पर अच्छे से एकदम मतलब आ जाए, मतलब चिकन से एकदम रूखी रूखी ना लगे इसके लिए। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड किया है, थोड़ा वाटर ऐड करने के बाद भी भूनूंगी बिकॉज़ हमारा मसाला नीचे जले ना है। इसके लिए मैंने थोड़ा सा मतलब 1/4 कप जितना ही वाटर ऐड किया था। अच्छी तरह से भून लेने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर दूँगी, और मतलब मुझे थोड़ा सा हरा धनिया ज़रा ज़्यादा ही अच्छा लगता है खाने में, तो इसके लिए मैं यहाँ पर भी भूनते वक्त भी थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से हम लोग चिकन को भून लेंगे मसालों के साथ। उसके बाद जो हमारा स्टॉक था वो मैंने ऐड कर दिया है, और चावल भी मैंने चावल को सोक करके रखा था 20 मिनट्स के लिए, तो वो मैं चावल यहाँ पर ऐड कर दूँगी। अब मैंने जो चावल के लिए जो पानी था वो आप अपने जैसे आपके जैसे चावल हैं जितना आपको पानी रिक्वायर्ड होता है आपके चावलों के लिए वो उतना ऐड करेंगे। अभी जो मैंने जायफल, जावित्री और स्टारफुल का जो पाउडर बना के रखा था वो मैंने यहाँ पर जितना भी था क्वांटिटी उसका पूरा पाउडर बनाकर पूरा ही ऐड किया है। तो एक पुलाव में जो अलग सी खुशबू होती है ना वो आती है उससे, तो वो मैंने ऐड कर दिया। मिक्स कर मैं यहाँ पर उसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए हमारा जो पुलाव है उसका पानी जो है वो पूरा एब्जॉर्ब हो गया है। तो मैं यहाँ पर जो ग्रीन चिली है उसको इस तरह से यहाँ पर ऐड करूँगी। 3 ही ग्रीन चिली ली थी मैंने, तो 3 तीनों भी ग्रीन चिली मैंने यहाँ पर डाल दी है। अब मैं यहाँ पर फूड कलर ऐड कर रही हूँ, रेड एंड ऑरेंज ऑप्शनल है। आपको फूड कलर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद मैं ऊपर यहाँ पर बेरस्ता ऐड करूँगी और हरा धनिया। ये दम देने के टाइम पर जब हम लोग दम देंगे ना पुलाव को तब हम उस वक्त ये सब ऐड करेंगे। और मैं यहाँ पर अभी उसको 10 मिनट के लिए दम दे दूँगी स्लो फ्लेम पर। तो देखिए हमारा पुलाव बहुत ही अच्छे से पूरा तैयार हो चुका है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना
और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी ये कैसी रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही मज़े की बनता है ये पुलाव, तो आप लोग ट्राई करना और मुझे फीडबैक भी देना। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको ज़रूर मिले। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।